जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। सैनिक मंत्रा में आज हम जानेंगे ऐसी चार बातें, ऐसे चार सब्जेक्ट जो आपकी जिंदगी को सफल बना देगा। आमतौर पे होता यह है दोस्तों कि जब एक सैनिक अपनी 17 से 20 साल की नौकरी करके रिटायरमेंट लेके घर वापस पहुंचता है, तब ये देखा जाता है कि उससे कम कमाने वाले आदमी भी, सिविलियंस, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। आखिर क्या कारण है इन चीजों के? कारण यह है दोस्तों कि एक सैनिक की जिंदगी बाकी लोगों से बेहद अलग होती है। ज्यादा बिजी रूटीन, ज्यादा चैलेंजेस, ज्यादा मुश्किलातों के बीच में एक सैनिक को अपने बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने का अक्सर समय नहीं मिल पाता, और ऊपर से कुछ एजुकेशन की, कुछ मैनेजमेंट की, कुछ नॉलेज की कमी हो जाती है। तो आज हम ऐसे चार टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आपने सही से मैनेज कर लिया तो आपकी लाइफ को सक्सेस होने से कोई नहीं बचा सकता। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ सैनिक मंत्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केतन डेडानिया। आइए समझते हैं वो चार बातें जो आपकी जिंदगी को सफल और समृद्ध बना देगी। नंबर एक, सही और फायदेमंद निवेश। नंबर दो, समझदारी भरा मकान। नंबर तीन, एजुकेशन मैनेजमेंट। नंबर चार, साइड इनकम सोर्स। दोस्तों ये चार बातें आपकी जिंदगी को पूरी तरह से सफल बना देगी। आखिर क्या खास बात है इन चार बातों में और क्यों इसे समझने की जरूरत है, आइए समझते हैं बारी बारी एक एक टॉपिक। बात करते हैं सही और फायदेमंद निवेश के बारे में। दोस्तों निवेश तो आम तौर पे हम सभी लोग करते ही है, लेकिन क्या ये निवेश फायदेमंद है? आपका सही निवेश, आपका सही रिजल्ट, आपका सही फायदा तब होता है जब एक सैनिक अपनी सर्विस खत्म करने के बाद घर पहुंच जाता है। उसके बाद ही आपको अपने निवेश का सही फायदा चाहिए होता है। आमतौर पे हम बहुत सारे निवेश करते हैं, लेकिन निवेश करना और फायदेमंद निवेश करना, इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा अंतर है। इसलिए ये सीखने की जरूरत है कि फायदेमंद निवेश कैसे किया जाए। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसे में 17 से 20 साल जब हम सर्विस करते हैं और उस समय के दौरान दुनिया में बहुत ज्यादा तब्दीली आ जाती है, निवेश के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन हमारे तरीके वही पुराने चले आते हैं। ऐसे में होता यह है कि जब आप रिटायरमेंट लेके घर पहुंचते हो तो आपको ये महसूस होने लगता है कि हमने लाखों रुपए निवेश के नाम पे लगाए और उसमें से हमें कुछ भी फायदा हासिल नहीं हुआ। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि निवेश किसे कहा जाता है और बचत किसे कहा जाता है। दोस्तों आमतौर पे आप जितनी भी पॉलिसियां कराते हो और छोटे मोटे निवेश कराते हो, ये निवेश नहीं है, ये बचत है। निवेश और बचत में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सही तरीके का और फायदेमंद निवेश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस चीजों के ऊपर फोकस कीजिए जो नए तरीके आ रहे हैं, और नए तरीकों से निवेश अगर आप करेंगे तो आपको कई सालों के बाद उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरा टॉपिक, समझदारी से मकान। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा और महत्वपूर्ण बात है। सभी आदमी का, सभी सैनिकों का भी एक सपना होता है कि मेरा एक बहुत बढ़िया से अच्छा सा मकान हो और मैं अपने परिवार को उसमें सुख शांति से रख सकूं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस तरह से मकान बना रहे हो वो ज्यादा फायदेमंद या ज्यादा अच्छा निवेश है, या आपने सही तरीके से बनाया है? बिल्कुल नहीं। हमारी टीम ने यह रिसर्च किया और हमने ये पाया कि 80% से ज्यादातर सैनिक मकान उन तरीकों से बनाते हैं जिन तरीकों से लाखों रुपए की बर्बादी हो जाती है, और हमें यह चीज समझ में नहीं आती कि वाकई में हमारे मकान में हमने लाखों रुपए की बर्बादी कर दी है। दोस्तों बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप कम समय में, कम मेहनत में, कम लागत में अच्छा सा मकान बना सकते हो। एक सैनिक अपने मकान बनाने को सपना पूरा करने में 10 से 14 साल, 13 साल की सारी मेहनत का पैसा अपने मकान में लगा देता है। परिणाम यह होता है कि जब रिटायरमेंट लेके हम नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं तब हमारे पास पैसों की कमी हो जाती है। तो क्या इसके तरीके हैं और किस तरह से मकान बनाया जाए एक समझदारी भरा मकान? दोस्तों मकान बनाने में
और एक समझदारी भरा मकान बनाने में बहुत ज्यादा अंतर है। इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप अपनी सर्विस के मेहनत से कमाए गए पैसों को लाखों रुपए से बर्बाद कर देंगे। एजुकेशन मैनेजमेंट। दोस्तों, एजुकेशन मैनेजमेंट को मैं दो हिस्सों में समझता हूं। एक तो वो एजुकेशन और कोर्सेस जो आपको सेना की नौकरी के दौरान करने को मिल जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे कोर्सेस आप सेना की नौकरी में करें, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेस अवेलेबल है जो कि आपको आगे आने वाली आपके भविष्य में, आपके फ्यूचर में, आपकी सिविल लाइफ में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। दूसरा भाग यह है कि आप सिविल एजुकेशन से परिचित हो। दोस्तों, एक सैनिक जब सेना में भर्ती हो जाता है तो सेना के बिजी रूटीन में काम करते समय अपनी ड्यूटी में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि उसको पढ़ाई में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छे एजुकेटेड सोल्जर बनके वहां से रिटायरमेंट ले। रिटायरमेंट के समय तक दोस्तों आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन तक की डिग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि जब आप रिटायरमेंट लेके घर जाओगे तो आपके सामने सिविल लाइफ के साथ मैनेजमेंट करने का, संघर्ष करने का एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और वैसे समय में आपको जरूरत होगी कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लिया जाए, और गवर्नमेंट जॉब करने के लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। धीरे 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 करके आप ग्रेजुएट तक की डिग्री जरूर हासिल कर ले। किस तरह से इस एजुकेशन को और ज्यादा मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम सब विस्तार से बात करेंगे। साइड इनकम सोर्स। दोस्तों, हम सभी को जरूरत होती है कि और कुछ ज्यादा कमा लिया जाए। आमतौर पे ये होता है कि जब आप सर्विस को खत्म करके रिटायरमेंट लेके जब अपने घर पहुंचते हो तो आपको कुछ ज्यादा ही पैसों की जरूरत पड़ती है अपने आने वाले फ्यूचर को बनाने के लिए। तो क्यों ना सर्विस के दौरान ही कुछ ऐसा सोर्स उत्पन्न कर लिया जाए कि आपकी सैलरी के अलावा भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा आपके जेब में एक्स्ट्रा आता रहे। ऐसे कई सारे ऑप्शन है, कई सारे इलाज है जो कि आप अपनी सर्विस को डिस्टर्ब किए बिना ही बहुत ज्यादा इनकम कर सकते हो, और ये थोड़ी थोड़ी इनकम दोस्तों आप जब सर्विस के खत्म करने के स्टेजेस पे होंगे तब आपको लाखों में फायदा देगी, और ये लाखों का फायदा आपके आने वाले भविष्य को बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो साइड इनकम सोर्स ये आपकी सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। अगर आपने थोड़ा सा भी आंख का नाक खोल के और ध्यान रख के अपना एक स्ट्रॉन्ग साइड इनकम सोर्स उत्पन्न कर लिया तो आपकी जिंदगी को सफल होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि जब आप सेना का करियर खत्म करके अपने रिटायरमेंट के समय बिताने लगो तब आपको यही साइड इनकम सोर्स आगे फ्यूचर की जिंदगी के लिए आपका बिजनेस बन जाए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बन जाए। इसलिए साइड इनकम सोर्स को समझना और उसे उत्पन्न करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सको और आपका भविष्य और ज्यादा मजबूत बन सके। तो मेरे फौजी भाइयों, मेरे प्यारे सैनिकों, आज हमने चार ऐसी सफलता की चाबी में बात की है जो एक सैनिक की जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व रखती है, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी सिर्फ एक ही करियर में होती है। जो भी प्रोफेशन एक सिविल आदमी पकड़ता है, जो भी सर्विस पकड़ता है, तो 58 से 60 साल की उम्र तक उसकी वही लाइफ रहती है। लेकिन हमारी जिंदगी में लाइफ के दो पार्ट है, एक सेना की जिंदगी और एक रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी। दोस्तों, आप YouTube पर जाए और सर्च करें सैनिक मंत्रा। ये चैनल फौजी भाइयों का अपना चैनल है। इस चैनल में हर वो चीज जो फौजी भाइयों के लिए फायदेमंद है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप भी अपने कॉमेंट्स भेजें और नए नए टॉपिक के बारे में शेयर करें। प्लस आपके किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, आप कुछ मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर से हमें कमेंट में लिख भेजें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।